दोस्तों ये 2 कलर का ऊन है मेरे पास, इससे मैं स्वेटर का डिजाइन बनाऊंगी। या आप टोपी में दे सकते हैं और बच्चे की फ्रॉक में भी दे सकते हैं, तो बहुत सुंदर लगेगा। तो डिजाइन बनाने के लिए मैं फंदा डालूंगी, 30 से 32 फंदा, आप चाहे तो जितने फंदा अपना हिसाब से दे सकते हैं। तो इस हिसाब से हम इसको इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए पूरा फंदा तैयार हो चुका है अभी। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम बुनाई करते हैं, एक एक फंदा करके बुनाई कर लेना है। इसको हम ऐसे बुनाई करेंगे, फिर इसको उतार लेते हैं। फिर इसको उतार लेते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने 4 बार इसको बुनाई की हूँ, ये चारों फंदा को सिलाई से बुनाई की हूँ, और फिर ये 5वां फंदा यूं ही इसमें डाल ली हूँ। तो इसको हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। फिर ये देखिए इसको इसी तरह से उतार लेना है। फिर मैं ये 4 जो फंदा है मेरा, इसको फिर बुनाई कर लेते हैं। फिर ये कलर ऐसे उतार लेते हैं। फिर इसको इस तरह से तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से बन चुका है। फिर मैं इधर से इसी तरह से पीला कलर से बनाऊंगी, जिस तरह से उधर से मैं सीधा साइड से जैसे बनाई हूँ वैसे उल्टा साइड से बनाऊंगी। तो देखिए फिर मैं अब उल्टा साइड आ गई हूँ, और इसको इस तरह से हमें बनाना है। फिर ये देखिए ये वाला आ गया फंदा, जैसे कि इधर उधर से मैं लौटी थी तो बनाई थी, इधर से भी इसी तरह से हमें करना है। फिर इसको बिना बुने हुए इसको इस पर उतार लेते हैं सिलाई पर। फिर इसको 4 फंदा को पीला कलर से बुनाई करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसको इस तरह से ले लिए हैं। तो इसी तरह से हमें 4 सिलाई बनाना है दोस्तों। तो 2 सिलाई मेरा पूर चुका है, और अब मैं तीसरी लाइन जा रही हूँ, तीसरी सिलाई है मेरा। फिर इसको इसी तरह से निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे डिजाइन बना लेना है। चाहे तो आप स्वेटर में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे, या चाहे तो आप टोपी बना सकते हैं बच्चे के लिए। तो आप चाहे जिसमें भी डिजाइन दे सकते हैं, या फ्रॉक में दे सकते हैं बच्चे के लिए, तो बहुत अच्छा डिजाइन है दोस्तों। दोस्तों देखिए इस तरह से मैंने सारे फंदे तैयार कर रही हूँ, और ये तीसरा लाइन है। फिर इसको इस तरह से निकाल लेंगे। फिर इसको इसी तरह से
लेंगे दोस्तों। तो ये देखिए, अब फिर ये लास्ट वाला है, अब जो पूरा मेरा ये बंद होगा, अब मैं इसमें हरा कलर से बुनाई करूँगी। तो ये देखिए हरा कलर, फिर इसको ले लेते हैं इस तरह से, और दो तीन चार, ये देखिए हरा कलर से मैंने चार सिलाई बनाई हूँ। फिर पांचवा यूं ही इसमें लगा लेते हैं, और फिर छठा से चालू करते हैं। एक इसको फिर बुनाई कर लेंगे दोस्तों, दो तीन चार, तो चौथा बना लिए हैं। फिर पांचवा को यूं ही ले लेंगे बिना बुने हुए, फिर यहाँ से फिर बुनाई करेंगे। एक फिर हरा को फिर बुनाई कर लेते हैं, जहाँ जहाँ की ये एक एक फंदे मैंने छोड़ी हूँ उस सारे को बुनाई कर लेना है। ये देखिए, दो तीन चार, चार हो गया। फिर पांचवा बचा जो है, फिर यूं ही मैं सिलाई पे चढ़ा लूंगी बिना बुने हुए, फिर चार बार इसको बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, एक एक दो तीन चार, चार हुआ, एक हरा कलर है और तीन पीला कलर है, तो इनको बना लेते हैं, चार हो जाएगा। एक दो तीन चार, तो फिर पांचवा को बिना बुने हुए सिलाई पे चढ़ा लेंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं कि दोस्तों मैंने इस तरह से डिजाइन बना ली हूँ। और इसी तरह से आप बनाइए, या आप चाहे तो बच्चे की फ्रॉक में भी डिजाइन दे सकते हैं, या टोपे में दे सकते हैं, या चाहे स्वेटर में। तो देखिए बहुत अच्छे डिजाइन लग रहा है, तो फिर मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो ये देखिए, फिर पीला कलर को यूं ही बिना बुने हुए सिलाई पर उतार लेंगे, और फिर इसको इसी तरह से बना लेंगे। जहाँ जहाँ पीला है दोस्तों कलर, जहाँ जहाँ मैं एक फंदे छोड़ी हूँ, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और जहाँ की मेरा आठ फंदा है, एक एक फंदा है, इसको बिना बुने हुए सिलाई पे लगाऊंगी, और जहाँ ये चार चार फंदा है मेरा, उसको बुनाई करूँगी। तो इस तरह से हम इसको फिर से बुनाई कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, पीला कलर को मैंने ऐसे बिना बुने हुए सिलाई में लगा ली हूँ। फिर पीला कलर मैं ऐसे उतार ली हूँ। फिर चार बार इसको बनाए हैं, तो फिर पीला कलर को कुर्सियों में लगा लेंगे बिना बुने हुए। फिर इसको बुनाई कर लेंगे, तो फिर पीला कलर को बिना बुने हुए सिलाई पर चढ़ा लेते हैं, फिर इसको बुन लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से बन रहा है। और फर्स्ट नंबर है डिजाइन, पहली सिलाई बना रही हूँ ये वाला डिजाइन, जो कि तीसरा नंबर में बनाई हूँ, और फिर इधर से आऊँगी। तो चौथा सिलाई जब हम बना लेते हैं, तो मेरा डिजाइन पूरा कंप्लीट हो जाता है।
फिर इधर से बनाऊंगी उसी तरह से। फिर इसको हम इसी तरह से पूरा कर लेते हैं दोस्तों। इसको भी पूरा इसी तरह से कर लेते हैं। फिर पीला कलर को उतार लेते हैं बिना बुने हुए। फिर इसको उतार लेते हैं बिना बुनाई किए हुए। हमें इसी तरह से इसको पूरा बुन लेते हैं। ये तीसरी सिलाई बना रही हूँ और उधर से फिर मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको इसी तरह से बनाते जाएंगे और मेरा डिजाइन बनते जाएगा। फिर इसको बिना बुनाई किए हुए इस पर सिलाई पर लगा लेते हैं। इसको बिना बुनाई किए हुए इस पर ला लेते हैं। फिर इसको बिना बुनाई किए हुए सिलाई पर चला लेते हैं और फिर इसको बुनाई करते हैं। हमें इसी तरह से बनाना है। देखिए मेरा पूरा बन चुका है। फिर ये लास्ट है, फिर इसको पीला कलर से बुनाई करेंगे। फिर हरा कलर से इसका एक एक फंदा को उतारेंगे। चार फंदा बनाई ही हूँ और फिर ये पांचवा फंदा इस पर चढ़ा लेते हैं, फिर इसको बुनाई कर लेते हैं। पीला कलर को बुनाई कर लेना है। दो तीन चार और पांच, ये देखिए इस तरह से हमें डिजाइन बनाना है। फिर पीला कलर को बुनाई कर लेते हैं। फिर इसको उतार लेते हैं फंदा। फिर इसको बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिर मैं पीला कलर को इस तरह से बुनाई करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने फंदा को उतारी हूँ। तो एक दो तीन चार और पचमा मैं इस पर क्रोशिया पे बिना बुने हुए चढ़ा लेती हूँ।
तीन चार ये बगल का साइड है इसीलिए कम ही लगेगा, तो तीन ही मैं फंदा ली हूँ और एक फंदा इसको यूं ही बना लेते हैं। देखिए दोस्तों मेरा पूरा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, आप इसी तरह से बनाइए और आप इसी तरह से बनाइए पूरा वीडियो देख करके। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।